बिग बॉस का शो मसालों से भरा शो है, जिसमें कभी भी शांति नहीं बल्कि हमेशा ही हलचल बनी रहती है। ना टीवी ना अपनों का साथ, समय पर उठना समय पर सोने की पाबंदी इस घर का पहला रूल है। वहीं 3 महीने इन चीजों को अपनाकर इस घर में रहकर प्राइज मनी जीतना हर किसी की चाहत। ऐसे में अनजान लोगों के बीच कोई एक इस घर में ऐसा मिल जाता है जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला जरूरी बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं जया दायमा, स्वागत करती हूं आप सभी का हिंद नाउ में, जहां हर बार बिग बॉस के किसी न किसी सीजन में एक कपल तो बन ही जाता है। ठीक उसी तरह इस बार भी 14th सीजन में किन दो लोगों के बीच बना लव एंगल, जानने के लिए देखिए ये वीडियो। जहां बिग बॉस के घर में लास्ट एपिसोड में पवित्रा पुनिया घर से बेघर हुई थी, तो वहीं इस घर से बाहर जाते ही पवित्रा ने दोबारा से घर में कुछ मिनटों के लिए एंट्री ली, और ये कुछ मिनट उनकी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए काफी थे, क्योंकि एजाज खान ने पवित्रा पुनिया को सभी के सामने शादी के लिए प्रपोज कर दिया, जिसका जवाब पवित्रा ने हाँ में दिया है। यानी कि घर से बाहर निकलने के बाद ये दोनों 2 से 1 हो जाएंगे। बता दे, एजाज और पवित्रा की केमिस्ट्री शो में काफी सुर्खियों में रही। दोनों पहले दोस्त बने, फिर लड़ाई हुई और अब दोनों लवर्स बन गए। वहीं ये पहला कपल नहीं है जो बिग बॉस के घर में मिला हो। इसके साथ ही अली और जैस्मीन भसीन की कहानी भी साथ जुड़ती नजर आ रही है। तो वहीं इससे पहले बिग बॉस 13 में हिमांशु खुराना और आसिम की प्रेम कहानी बन गई, तो दोस्ती दोस्ती में पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा की नजदीकियां भी देखी गई, और सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज का नाम तो इसमें सबसे ऊपर आता है। वहीं सीजन 7 में अरमान और तनीषा एक दूसरे के प्यार में रंगे हुए नजर आए थे। ये वो चंद नाम है जो कहीं ना कहीं आज भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथ ही मोनालिसा और विक्रांत की शादी तो बिग बॉस ने खुद करवाई थी। हालांकि एक दो नाम इनमें ऐसे भी है जिनकी शो में शादी हुई, लेकिन दोनों ने शो से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला कर लिया, जिसमें सारा खान और अली मर्चेंट का नाम शामिल है। इसके अलावा कुछ नाम ऐसे भी रहे जो शो में तो साथ रहे, लेकिन शो से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे से अलग हो गए और अपनी जिंदगी में काफी खुश हैं। अब एजाज और पवित्रा की जोड़ी बाहर निकलकर किस बंधन में बंधती है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी का ये पल दोनों के लिए खास है और इनके फैंस के लिए भी। अब आगे क्या होगा इनकी प्रेम कहानी में, जानने के लिए देखते रहिए हिंद नाउ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर भी करें।